इस वीडियो में हमारा विषय है कि दिस मैन मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। यहाँ पर मैन का हिंदी में भावार्थ होता है नर, जिसे आप हिंदी में पुरुष भी कह सकते हैं। यहाँ पर दिस का हिंदी में भावार्थ होता है यह। इस प्रकार दिस मैन का हिंदी में भावार्थ होता है यह पुरुष, जिसे आप हिंदी में यह नर भी कह सकते हैं। दिस मैन के उपयोग का उदाहरण वाक्य है दिस मैन इज माई हस्बैंड, और इस वाक्य का हिंदी में भावार्थ है कि यह पुरुष मेरे पति हैं। इसी बात को आप बहुत ही कभी कभी हिंदी में इस प्रकार भी कह सकती हैं कि यह नर मेरे पति हैं, अथवा यह पुरुष मेरा पति है, अथवा यह नर मेरा पति है।